हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइज ब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक, जिंक पिवट पॉइंट, मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज, और जिंक का कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है अभी उसका ऊपर बात करेंगे, और मार्केट कैसे एनालाइज किया जाता है उसका भी डिटेल्स बताएंगे मैं। ठीक है, तो पहले हम देख लें ये पिवट पॉइंट क्या है जिंक का। आज तो देख सकते हैं आप, आज जिंक का पिवट पॉइंट 184.50, फर्स्ट रेजिस्टेंस 186.60, सेकंड रेजिस्टेंस 189 एंड थर्ड 191.10 एंड फर्स्ट सपोर्ट 182.10, सेकंड सपोर्ट 180 एंड थर्ड 177.60। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जिंक ट्रेंड कौन सा है। तो अगर हम 4 आवर में देखें तो ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। जो पहले इसका जो हायर पॉइंट था, अगर ये तो देखे हायर पॉइंट था तो इसको तोड़ दिया, तो इसको तोड़ दिया अभी। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए आज, और कहां तक जाएगा उसको देखने के लिए हमें आप कैसे मार्केट रिसर्च किया जाता है उसको भी हम डिटेल्स बात करेंगे। तो मैंने जैसे यूज किया यहाँ पे 50, 100 एंड 200, तो उसमें आप डेली में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये हमें रेजिस्टेंट लाइन मिल गया, रेजिस्टेंट, आज का रेजिस्टेंट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पिवट पॉइंट भी आसपास ही होगा, सेकंड रेजिस्टेंट 188, यहाँ पे 187.80 में आया, लेकिन ये 200 का आसपास हमें 180 ऑलमोस्ट नियरेस्ट आया सेकंड रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे 4 आवर में। तो 4 आवर में देख सकते हैं आप, ये हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन मिल गया। तो अभी हम छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे, इसका कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हायर पॉइंट है, हायर प्रीवियसली, तो इसमें हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, दोनों को कनेक्ट करके, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया, और ये लोअर पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये दोनों का लोअर पॉइंट है, तो अभी ये दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये थर्ड वन भी हमें मिल गया। तो ये हमें मिल गया आज का ट्रेडिंग रेंज। ठीक है, तो ये रेंज में स्पेशली क्या होता है, मार्केट यहाँ तक जाके नीचे चला आता है, फिर से यहाँ से ये जैसे यहाँ हो रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, इधर आया, तो इधर जाने का चांसेस है। तो अगर आपने बाय लिया तो कहाँ पहले निकलना है, अराउंड 187 का आसपास आपको मार्केट से निकल जाना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 150 मूविंग एवरेज, दोनों का ऊपर में मार्केट ओपन हुआ है गैप अप में। तो मार्केट मुझे लगता है यहाँ तक जाएगा, अगर इसको तोड़ दिया तो ये नेक्स्ट जो हमें ये फोर डेली में मूविंग एवरेज देखा, मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस डाला था, वो रेजिस्टेंस लाइन तक जा सकता है। अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो इसको ट्रेलिंग कर भी सकता है। तो आप अगर 5 मिनट में देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें मिल गया ये रेजिस्टेंस 5 मिनट। ठीक है, तो आपको एंट्री कहाँ होना है मार्केट में, अगर यहाँ पे अगर आप भी आप एंट्री कर देंगे तो मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो अगर मनी मैनेजमेंट करके देखेंगे तो आप 20-30 पॉइंट का नीचे में तो आपका एसटीपी आराम से हिट हो जाएगा। तो आपको वेट करना है कंफर्मेशन मिलने के लिए। तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा ये, तो पहले आपको मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए देना चाहिए। तो मार्केट जिसे रिट्रेसमेंट करेगा नीचे में, ठीक है, तो क्योंकि अभी यहाँ पे क्यों बाय नहीं लेना है, तो मैं दिखाएंगे अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में। ये जो लोअर पॉइंट है, ठीक है, ये लोअर पॉइंट और ये लोअर पॉइंट, इसको और या इसको, इन तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, राइट, इन तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं ये। तो और ये हायर पॉइंट को मैंने यहाँ पे लगा दिया, राइट, ये हायर पॉइंट को। तो इसमें देख सकते हैं आप एक रेंज मिल गया स्मॉल टाइम फ्रेम में। तो अभी देखिए ये रेंज का
पास में है, तो यहाँ से ईयरिंग्स जैसे यहाँ गया, यहाँ से नीचे है, यहाँ यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो सकता है। तो आपको बाय कब लेना है, जब मार्केट यहाँ से नीचे चला आएगा यहाँ सपोर्टिंग लाइन में, तो यहाँ पे एक आपको एक बुलिश कैंडल मिलेगा। तो इसे जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे जैसे ये नीचे आया था रेड कैंडल फॉर्म किया हुआ है, राइट, उसका बाद एक ग्रीन कैंडल हुआ है, ये ब्लू कैंडल हुआ है, तो यहाँ पे भी एक मार्केट नीचे आएगा रेड कैंडल बन के, बाद में एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगा, तो तब आपको बाय लेना है। कहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का ऊपर में बाय लेना है, और एसटीपी आपको नीचे में लगाना है। जैसे ये नीचे आया, इसका यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म हो गया, तो एंट्री पॉइंट इधर है, तो आपको नीचे 30-40 पॉइंट में एसएल लगाना है, और फर्स्ट टारगेट 160 नहीं तो 150, वहां पे आप टारगेट सेट कर सकता है। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।